और ऊर्जा राज्य मंत्री एवं बूंदी जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर बूंदी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उन्होंने बारिश प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की गिरदावरी का कार्य जिम्मेदारी और सावधानी के साथ पूर्ण करवाकर किसानों को समय पर उचित मुआवजा दिलाए जाने की बात कही। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का चौथा संस्करण 13 से 15 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में होगा, जिसमें केंद्रीय पर्यटन विभाग की अहम भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके अलावा FHTR के प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह चंदेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस बार RDTM की थीम वेडिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और इवेंट तय की गई है। मार्ट में 200 से अधिक स्टॉल और 600 से ज्यादा हेरिटेज होटल्स का प्रदर्शन किया जाएगा। वही B2B और B2C बैठक भी होगी, जिसमें आमजन भी हिस्सा लेकर अपने इवेंट के लिए होटल्स और सुविधाओं की जानकारी ले सकेंगे। अनूपगढ़ की रायसिंह नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट कर 60,000 लूटने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने हमला किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। राजस्थान के कोटपूतली बहरोड जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पिता ने धारदार हथियार से 12 साल की बेटी गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद ट्रक के आगे कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। मामला जिले के बड़ौत गांव का है। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने पिता और दादी के साथ रहती थी, जबकि उसकी माँ और छोटी बहन अलग रहते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। नीम का थाना जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने पाटन स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्राचार्य को स्कूल परिसर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उप प्राचार्य डॉक्टर पूनम खेदड़ ने कलेक्टर को बताया कि स्कूल में 452 छात्र छात्राओं का नामांकन है और छात्र छात्राओं को स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से अध्ययन कराया जाता है, तो वही कलेक्टर ने करियर को लेकर विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां हाईवे पर वाहन रुकवाकर वसूली करने के मामले में सल्लोपाट थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही टेम्पो भी जब्त किया। दरअसल वसूली मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक तक पहुंची, जिस पर थाना अधिकारी देवीलाल खट्टी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बांसूर के ग्राम नांगल भाव सिंह में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां पर घर के बाहर बैठी लोगों को गाड़ी ने कुचल दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने कुछ दूर तक गाड़ी का पीछा भी किया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद ततारपुर थाना पुलिस ने सूचना पर नाकाबंदी कर गाड़ी को पकड़ा। युवक की मौत के बाद बांसूर उप जिला अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सुमेरपुर में सीओ भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में थाना परिसर में CLG मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें CLG सदस्य एवं जागनाथ महादेव मंडल पदाधिकारी और सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा की गई, तो वहीं 13 सितंबर की रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन भी होगा, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार आशा वैष्णव एंड पार्टी भजनों की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा सुमेरपुर में 14 सितंबर को
जल जुल्ली एकादशी पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आगामी 3-4 त्यौहार जो लगातार आ रहे हैं उस संदर्भ में मैं सुमेरपुर का जो सबसे बड़ा आयोजन होता है रेवाड़ी जो निकलती है देव जुल्ली गर्ल्स को जो सुमेरपुर शहर का सबसे बड़ा एक फंक्शन होता है उसी को लेकर सीएलजी की बैठक और जो आयोजक है रेवाड़ी के उनको भी बुलाकर मीटिंग ली गई, उनसे सुझाव मांगे गए क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, हमने हमारी बात बताई, उन्होंने अपनी जो समस्याएं थी वो बताई और जिस दिन जुलूस होगा उन पर पूरा निराकरण किया जाएगा। इसी संदर्भ में ये सवाई माधोपुर में भारी बारिश के चलते कई जनजीवन प्रभावित हुआ है। नदी नालों में उफान आने से जिलों के दर्जनों गांव में आने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं, तो वहीं भारी बरसात के चलते रणथंभौर में लैंडस्लाइड होने से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग भी पूरी तरह से बंद हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गणेश धाम पर ही मुख्य द्वार को बंद कर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग की आवाजाही को बंद कर दिया है। इसके साथ ही वन विभाग के अगले आदेशों तक मंदिर को बंद रखा जाए। और सिरोही के माउंट आबू में अवैध निर्माण पर आयुक्त शिवपाल सिंह के निर्देशन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जहां जेसीबी की सहायता से नगर पालिका ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक रोज कॉटेज संचालक ने मकान पर अवैध छत डाली थी। इसके साथ ही पांडव भवन के पीछे कृष्णा हॉस्टल में भी अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। और श्रीगंगानगर के पदमपुर में डकैती मामले में पुलिस और डीएसटी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल टीम ने डकैती मामले में शातिर दो लुटेरों को गिरफ्तार किया। दोनों लुटेरे पंजाब के निवासी हैं। बता दें कि 4 सितंबर की रात पदमपुर धान मंडी रोड स्थित टायर व्यापारी घर पर 9 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने घर में सो रहे दंपति से मारपीट कर उन्हें बंधक बनाया और वारदात को अंजाम दिया। आपको विदित है 4 और 5 की रात में पदमपुर क्षेत्र में एक वारदात हुई थी जिसमें 5 से 7 लोग आकर के घर पे आए और वहाँ पर घर पे जो बुजुर्ग दंपति थे उन पे हमला करके वहाँ से जो सामान थे उसके लूट करके चले गए। ये घटना पुलिस के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग थी क्योंकि जिस तरीके से वारदात हुई थी और जिस तरीके से लोग गिरोह बना करके आए थे इस पे जो भी हमारी टीमें थी लोकल CO SHO जो साइबर सेल है वो भी इसमें लगा हुआ था कि एक तरीके की वारदात काफ़ी सीरियस थी तो इसमें पूरी तरीके से टीमें जुटी हुई थी और क्योंकि जो चेहरा था किसी का क्लियर नहीं आ रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संभवतः बाहर की गैंग होगी किसी लोकल व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट के साथ। काफ़ी मेहनत के बाद काफ़ी रेकी करने के बाद अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पहुँच के जो टेक्निकल इनपुट्स है वो जुटाने के बाद इस वारदात का खुलासा। सांचौर की सरवाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1,00,000 रुपए के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ राजकार्य में बाधा सहित 20 गंभीर मामले दर्ज हुए। पिछले 6 सालों से आरोपी फरार चल रहा था। SP हरिशंकर के निर्देशन में सरवाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बांसवाड़ा में रुपयों के लेन देन को लेकर शहर के निचला भोईवाड़ा में चाकूबाजी घटना हो गई है जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक वह अपनी बहन के घर गया हुआ था जहां आरोपियों ने उसके साथ चाकूबाजी की। फिलहाल पीड़ित ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। खैरथल का मुंजावर थाना और वहाँ के थानाधिकारी इन दोनों चर्चित बने हुए हैं। थाने के SHO राजीव डूडी को हटाने के लिए खुद मुंडावर विधायक ललित यादव धरना दे चुके हैं। आज फिर एक बार मुंडावर इलाके के कई सरपंच और विधायक के समर्थक खैरथल SP के पास पहुंचे और SHO को हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। लोगों ने बताया कि SHO मनमाने तरीके से काम कर रहा है।